तेरे हाथों की लकीरों के इजाफे रहेंगे गवाह। तुम्हें खुद को पत्थर की तरह तराशना है बहुत, यूं तो हाथों की लकीरें किस्मत बया करती हैं। नहीं, अगर लगन हो सच्ची, मेहनत हो सच्ची, तो हाथों की लकीरें भी बदलती हैं और किस्मत भी बदलता है। दोस्तों, इसी के साथ आपका संघर्ष ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट फंडामेंटल क्रास पढ़ेंगे, मेंडेलियन का मोनो हाइब्रिड क्रास। आपको बता दें, अगर मोनो हाइब्रिड क्रास आपको बहुत अच्छे से आ रहा है या बहुत अच्छे से आप इसको सीख लिए हैं, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स आपके लिए एकदम चुटकी अंगुलियों पर हो जाएगा। चुटकी बजाते हुए आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्या है। मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को एक टाइम पे, अगर हम उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उस क्रास को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रास। और ये सबसे मोस्ट फंडामेंटल क्रास है। आपको पता है, मेंडल सबसे पहले 34 कैरेक्टर को चूज किए थे, उसके बाद से उन्होंने रिड्यूस करके 22 किया। फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर को डिसाइड किया। वो 7 कैरेक्टर डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहे, यही उनका सबसे बड़ा भाग्य रहा, नसीब के साथ, इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला। अगर ये सारे कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे होते तो शायद ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाती, या मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, डाफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये शायद कंक्लूजन नहीं बन पाता। तो मेंडल के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा, अनजाने में जो भी। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोस्ट फंडामेंटल मोनो हाइब्रिड क्रास। हमने मोनो हाइब्रिड क्रास में आपको बताया कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम, और ये बहुत फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल क्रास है। इसमें क्या होता है, हमने दोस्तों सबसे पहले टाल प्योर प्लांट लिया और टाल स्मॉल प्योर प्लांट लिया, ड्वार्फ प्योर प्लांट, मतलब ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव हमने लिया। और उसका क्या किया, गैमिट, जब वो मतलब फ्लावरिंग करेगा तो उसमें गैमिट बनेगा, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स बनेंगे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। तो उसके थ्रू क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और हमारा एक नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा एफ वन जनरेशन में, जो बेसिकली क्या होगा, टाल होगा। टाल मतलब ये 100% हाइब्रिड होगा, ठीक है। ये हाइब्रिड का अगर हम सेल्फिंग कराते, देखिए हमने क्या किया, टाल प्लांट मतलब ड्वार्फ प्लांट और टाल प्लांट का क्रॉस किया, तो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर वाला हमें प्लांट दिखा, सिर्फ टाल वाला, ड्वार्फ वाला नहीं दिखा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड कंक्लूजन में इसी बात को पढ़ेंगे। देखिए, अब इस हाइब्रिड का आपस में सेल्फिंग करा दिया गया, आपस में सेल्फिंग कराया गया, तो क्या हुआ, ये सेल्फिंग प्लांट गैमिट बनाएंगे। इसमें दो टाइप के गैमिट बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो गैमिट बने लेकिन एक टाइप के गैमिट बने, और यहाँ पे दो गैमिट और दो टाइप के गैमिट बन रहे हैं। दोनों बात अलग है, दो गैमिट और दो टाइप के गैमिट। देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी वाला गैमिट है, यहाँ पे स्मॉल टी वाला गैमिट है, यहाँ पे कैपिटल टी वाला गैमिट है और यहाँ पे स्मॉल टी वाला गैमिट है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे फर्टिलाइजेशन, क्रॉस करवाएंगे, और ये हमारा क्या होगा, F2 जनरेशन में जो हमारा ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, थ्री, देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है बेसिकली, ये हमारे टाल प्लांट है। क्योंकि देखिए, अगर हमने यहाँ पे टाल बोला है तो यहाँ पे भी टाल बोलना पड़ेगा, तो ये हमारा 3 टाल प्लांट है और ड्वार्फ एक आया, ठीक है, ये ड्वार्फ आया। तो 3:1 का हमारा क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो आया, हमारा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का। और जीनोटिपिक रेशियो देखिए, 1 ये है कैपिटल टी और दो हमारे ये है और ये स्मॉल टी वाला है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और जीनोटिपिक में स्मॉल टी। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 1:1, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले प्योर प्लांट किया। प्योर प्लांट कैसे बनाया, हमने टेक्निक में बताया कि प्योर प्लांट सेल्फिंग से मल्टीपल टाइम सेल्फिंग कराएं, लगभग 13 से 14 बार सेल्फिंग कराना होता है। ये लगभग 99.99% प्योर, मतलब होमोजाइगस हो जाता है, चांस रहता है।
और ये तो ऑलरेडी प्योर रहता है, इसका इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं रहता है, इसमें टाल होने का प्रोबेबिलिटी ये भी होता है, तो इसीलिए हम इसको प्योर बनाते हैं, होमोजाइगस बनाते हैं, प्योर होमोजाइगस बनाते हैं, ये ऑलरेडी प्योर होमोजाइगस होता है क्योंकि इसमें कंटामिनेशन नहीं होता है। तो देखिए हमने प्योर प्लांट बनाया, प्योर प्लांट से गैमिट्स बने हमारे, कैप्टन की स्मॉल थी आपस में फर्टिलाइज किए, ऑफ स्प्रिंग बना, जो ऑफ स्प्रिंग बना वो टाल बना, ठीक है, और वो 100% हाइब्रिड बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या किए, 100% हाइब्रिड वाले प्लांट का क्या किया, हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है, क्रॉस करा दिया, सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराया तो उसमें डिफरेंट टाइप के दो टाइप के गैमिट बने, दोनों गैमिट आपस में मतलब ये दो इस मेल के दो फीमेल के फ्यूज होकर के चार ऑफ स्प्रिंग बनाए, जिसमें से तीन ऑफ स्प्रिंग जो है हमारा वो टाल है और एक स्मॉल जो एक हमारा ऑफ स्प्रिंग है वो ड्वार्फ है, मतलब जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है, कौन सा, फिनोटिपिक, लेकिन जीनोटिपिक में आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो जो 3 मतलब ये 1:1 जो ये 2 है तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:1। तो दोस्तों ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को तो लगभग सब कोई जानता है, अब इसका कंक्लूजन यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंक्लूजन आपको समझना है। देखिए उन्होंने तीन कंक्लूजन निकाला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, उन्होंने बताया था पास्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, उन्होंने बताया था कि किसी भी कैरेक्टर को एक मतलब किसी भी कैरेक्टर को एक ऑर्गेनिज्म में दो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जिसको फैक्टर बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर आर रेगुलेटेड बाय डिस्क्रीट यूनिट नोन एज फैक्टर एंड ईच फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब ईच ऑर्गेनिज्म हैव पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दो ही डिस्क्रीट यूनिट होंगे जिसको हम फैक्टर बोल रहे हैं, और इसी फैक्टर को आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है, ये बात है। अब ये जीन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पेयर मतलब फर्स्ट पास्टुलेट या फर्स्ट कंक्लूजन इनको बोल सकते हैं, फर्स्ट पास्टुलेट। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने हाइट लिया, हाइट हमारा क्या है, एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्ट कैरेक्टर है, मतलब एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्ट कैरेक्टर है, एक टाल है एक ड्वार्फ है, टाल और ड्वार्फ किससे कंट्रोल हो रहे हैं, दो फैक्टर्स है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो वही बोला है कि ये दो डिस्क्रीट यूनिट है, देखिए ये दो डिस्क्रीट यूनिट जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म में दो ही हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, ठीक है, तो एक कैरेक्टर के दो फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर क्या करते हैं, कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। पहला पास्टुलेट क्लियर हो गया। दूसरा पास्टुलेट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में हमने बताया, देखिए जब हम प्योर टाल प्लांट का प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ क्या मिलता है हमको, सिर्फ और सिर्फ हमको मिलता है टाल प्लांट, मतलब कि ड्वार्फ वाला प्लांट जो होता है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है वो डोमिनेंस है, तो वही है when two प्योर प्लांट्स विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस देन इन F1 जनरेशन ओनली वन फॉर्म ऑफ अपीयर, मतलब केवल एक फॉर्म अपीयर हो रहा है, ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या है, देखिए दूसरा फॉर्म जो है वो क्या हो रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है तो रेसेसिव हो जा रहा है, ठीक है, मतलब दूसरा फॉर्म जो अपीयर नहीं होगा उस फॉर्म को रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा हमारा जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो दोस्तों अभी जगह नहीं है, हम जगह बनाते हैं फिर इसी में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड कंक्लूजन में उन्होंने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। एक्चुअली देखिए ये लॉ है,
ला जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो थर्ड पास्टुलेट में इन्होंने बताया कि व्हेन फैक्टर ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, व्हेन फैक्टर ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जो मतलब ये एलील जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील है, मतलब जीन का जो डिफरेंट फॉर्म है वो एलील है, वो क्या होगा कह रहे जनरेशन वो क्या करता है, ये F1 जनरेशन पूरे इंटायर जनरेशन में एक साथ रहता है, कंडीशन फॉर इंटायर जनरेशन पूरे इंटायर जनरेशन में रहता है, लेकिन बट नेवर कंटामिनेटेड, कभी भी कंटामिनेशन नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ला ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, नेवर कंटामिनेटेड। अब क्या होता है दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली, दे विल सेपरेट, देखिए ये दोनों एलील क्या हो गए सेपरेट हो गए, कब जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ, ये बेसिकली हमारे क्या है गैमीट है, जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो दोनों एलील जीन का सेपरेशन हो गया, उसी को बोल रहा कि दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली एंड ओनली वन विल इंटर अ गैमीट, और सिर्फ दोनों में से कोई एक जो एलील फॉर्म एलीलिक फॉर्म होगा वो एक गैमीट में इंटर करेगा, एक गैमीट में इंटर करेगा, देखिए एक ये गैमीट है एक ये गैमीट है, तो कोई एक फॉर्म ही किसी एक फॉर्म मतलब कोई एलील का एक फॉर्म ही किसी एक गैमीट में इंटर करेगा, दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली एंड ओनली वन विल इंटर इन द गैमीट। देखिए इसको एलीलिक फॉर्म में हम लोग एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं, सेग्रीगेशन इज द इनडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलीलिक जीन, एलीलिक जीन का सेग्रीगेशन मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ इनडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलीलिक जीन को ही हम क्या करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन्होंने तीन पॉस्टुलेट दिए थे, पहला पॉस्टुलेट पेयर फैक्टर का, दूसरा उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी आता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन में हम लोग पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो गैमिट होता है, प्योर गैमिट बनता है, एलीलिक कंटामिनेशन नहीं होता है, तो वही सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलीलिक जीन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। तो ये मोनोहाइब्रिड के तीन कंक्लूजन है, अब मोनोहाइब्रिड पे हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट टाइप के सवाल लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, एक्चुअली मैं पहले से ही लिख के रखता हूँ ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा किल ना हो, क्योंकि अगर हम लिखने पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं पहले से ही लिख लेता हूँ और उसको बस समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।